हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक स्टोक्स थ्योरम का ये थर्ड लेक्चर है, तो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था कि डीएस को कैसे करते हैं फाइन। डीएक्स बेसिकली डीएक्स इंटू डीवाई आया था। अब इसमें हम लोग क्या किए थे, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ हम लोग का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना था डीएस का। डीएस का वैल्यू सब्सटीट्यूट दिए कर डीएक्स डीवाई, तो इस चीज़ को कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है। के डॉट के कैप माइनस फोर वाई के डॉट के कैप लिखेंगे तो माइनस फोर बाहर आ जाएगा और इंटू वाई बच जाएगा और डीएक्स इंटू डीवाई, और इसका लिमिट्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसका लिमिट कोई भी फाइंड कर सकता है, आप देख लेना इसे स्टॉप करके। इसे ये डबल इंटीग्रल का सिर्फ गेम है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर डाउट्स हो तो आप लिख सकते हैं नीचे कि मुझे डबल इंटीग्रल में डाउट है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जीरो से बी तक पहले अगर एक्स का लिमिट दिया हुआ तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, तो फाइनली जो वैल्यू आ गया माइनस फोर ए बी स्क्वायर आ गया। और हम अगर गौर करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आया था वो भी माइनस फोर ए बी स्क्वायर आया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ चुका है। तो हम इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ दिए कर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस वी प्रूव्ड स्टो